अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फरिया के व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज मैं सुबह सुबह वॉक पे आ गई हूँ। वहाँ सुबह इतनी धुंध हो रही है और इतना प्लस में टेम्परेचर है, +7 है, तो हसीन हो रहा है, मज़ा आ रहा है खूब वॉक करके। एक्चुअली कनाडा में बोलते हैं कि 3 W's का कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। एक तो वर्क, क्योंकि यहाँ काम का कुछ पता नहीं होता, आज है कल नहीं है। सुबह आप जॉब पे गए हैं, मे बी वो शाम में आपको कह दें कि भाई आपकी छुट्टी है, आप घर पे बैठो आराम करो। नंबर 2, वमेन, औरतों का भी कोई भरोसा नहीं करता यहाँ पे। और वेदर के सुबह प्लस में होता है तो रात को माइनस में होता है, दिन में सनी हो रहा होता है और बहुत अच्छा गर्म, और रात में वही टेम्परेचर -20, -12 पे चला जाता है जो टेम्परेचर सुबह के टाइम प्लस में होता है। तो यहाँ पे कहावत है यहाँ की कि 3 W's का कभी आप ट्रस्ट नहीं करो, वर्क, वेदर और वुमेन। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे यूजुअली हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम कर रहे होते हैं, तो सुबह सुबह सबके बच्चे, मियाँ बीवी सब निकल के आराम से अपने अपनी जॉब्स पर चले जाते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ सुबह सुबह कोई कचरा नहीं जलाता, जैसे बैक होम्स में होता है कि सुबह सुबह कचरा बाहर एक जगह जमा किया और आग लगा दी, उससे इतनी पोल्यूशन होती है, सुबह सुबह इतना गंदी बदबू आ रही होती है, यहाँ इतना साफ़ सुथरा हो रहा होता है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू, इस बात के थ्रू आप लोगों के साथ एक मैसेज शेयर करना चाहूँगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ उस पर अमल कीजिएगा कि प्लीज़ अपने घरों का कचरा सड़कों में मत फेंकें, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग-अलग रखें, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें, क्योंकि हमारे एयर में और हम पूरी जो दुनिया में जो पॉल्यूशन और इतना ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, वो सब इसी की वजह से है। जो अच्छी बातें होती हैं वो हमें दूसरों की एक्सेप्ट करने चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी अपने घर में कोशिश करें कि अपने घर का कचरा बाहर ना फेंकें, प्रॉपर बांध के फेंकें, ताकि कम से कम गंदगी और जो कंपोस्ट हो सकता है उसको कंपोस्ट करें। हाथ जम रहे हैं, नाक ठंडी हो रही है, अभी भी ठीक ठाक ठंडक है और मैं फॉल वाली जैकेट पहन के आई हूँ। अच्छा, लास्ट व्लॉग में मैंने डॉलरामा का जो आप लोगों को विज़िट करवाया था, तो मैंने ये तो दिखाया ही नहीं था कि मैं लाई क्या वहाँ से। तो मैं, ये स्टेयर्स हैं, तो स्टेयर्स का ये वाली वॉल जो है इधर की, ये बिल्कुल खाली थी, तो मैंने कब से सोच रही थी कि इस पर क्या लगाऊं। देखें, मैं इस तरह से ना, ये 3 का सेट मिला था ये वाला, और ये भी बिल्कुल $4 का था। इसमें ये था और जो वो कोने पे छोटा वाला है ना, वो था। बाकी एक मैंने ये वाला वॉल पीस लिया है, तो मैंने इस तरह से ना डिफरेंट लेके और उसका कोलाज बना दिया, तो वॉल भी इतनी प्यारी लग रही है और बिल्कुल मुनासिब से पैसों में ज़बरदस्त हो गया। मतलब तो कहने का मकसद ये कि कम पैसों में भी अगर आप थोड़ा सा तवज्जो दें तो बहुत अच्छी डेकोरेशन हो सकती है, ट्रस्ट मी। आपको मैं और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ दूंगी। मैंने इसी तरह से छोटे छोटे कम रीज़नेबल प्राइसेस में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, दिखाती हूँ। देखें, ये मैं मिरर जो है, सिंपल सा मिरर है, ये मैं लेकर आई थी प्लेन डॉलर स्टोर से। उस पर मैंने ये बनाए हैं जो फ्लावर्स है ना, ये मैंने बनाए हैं यहाँ पे जो एग का कार्टन मिलता है ना उससे, और उसको स्प्रे करके उसमें ग्लिटर लगा के ऐसा प्यारा सा मिरर बन गया है, और ये मेरा इस वॉल पे मैंने लगाया है। अच्छा जनाब, तो नाश्ता मैंने कर लिया था, फिर मैंने थोड़ा सा सफाई वगैरह करी, उसके बाद मैंने खाना बनाया। खाने में मैंने आज चिकन निहारी बनाई है। सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, रोज़ की ये बड़ी टेंशन होती है, तो फिर मैंने कहा चलो निहारी बना लेते हैं, तो वो बनाई। अब बैठी थी मैं, तो मैंने सोचा थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ कर लूँ। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।